आई होप यू ऑल आर फाइन. टेक आउट योर कॉपीज. टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, रेडी द पेज लाइक दिस. कल हमने लेसन सम भी की थी, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, रेडी द पेज जैसे मैंने रेडी किया हुआ है. प्लीज़ रेडी योर पेज ऑल ऑफ यू. ओके, शाबाश, रेडी द पेज. टुडे वी विल डू क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू. आपने मेरे साथ करना है. अगर कुछ रह जाएगा तो मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी. ओके, आपकी राइटिंग रफ नहीं होनी चाहिए. शॉर्प योर पेंसिल्स. जब हम काम कर लेंगे उसके बाद आप मुझसे जो आपने पूछना है वो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके जी. सो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर वन. डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट आई ए टी ई डिफरेंशिएट वन फिंगर गैप बिटवीन बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एंड बिटवीन आ. गिव प्रॉपर फिंगर गैप्स. ओके, आप बड़े बच्चे हो. यू मस्ट बी, योर राइटिंग मस्ट बी वेरी वेरी नीट. डिफरेंशिएट बिटवीन आ पॉपुलेशन population P O P U L A T I O N population and community C O double M U N I T Y differentiate between a population and a and community. Write down the question class 4. ये question थोड़ा सा बड़ा है. अब आवाज आ रही है. राइट डाउन द क्वेश्चन नाउ. आंसर, अगर आपसे काम रह भी जाएगा मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी, वहां से देख कर करना है. ओके, राइट डाउन आंसर ए एन एस आंसर. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है. किस चीज़ की हेडिंग देनी है? पॉपुलेशन पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन पॉपुलेशन और दो कॉलन्स. आपकी तो पेंसिल है, आपने इसको डबल डबल अंडरलाइन करना है. ओके, ताकि पता चले कि ये हेडिंग है. सही है, इसको डबल अंडरलाइन करना है. सी लाइक दिस, जो पिंक लाइन है उस पे करेंगे एंड देन उससे ऊपर वाली लाइन पे. दिस इज डबल अंडरलाइन. आपने ऐसे अंडरलाइन करने, ठीक है, ताकि पता चले ये हेडिंग है. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन. वन फिंगर गैप छोड़कर यहां से हम शुरू करेंगे. आ
ड्रॉप ऑफ द organisms living together together in a place Yes. मैम आपने डेफिनेशंस करवा ली हैं? ओहो नहीं बच्चे डेफिनेशंस नहीं करवाई आज. ओके मैम. ठीक है आज आप क्वेश्चन आंसर स्टडी. ओके. टुगेदर इन अ प्लेस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन. फुल स्टॉप. उसके बाद एग्जाम्पल्स राइट करेंगे. ई डॉट जी नाउ एग्जाम्पल्स आर फिश एफ आई एस एच फिश कॉमा फ्रॉग्स एफ आर ओ जी एस frogs and the last one is duck d u c k. Okay, write it down. Shabash. अच्छा जी अब इसके बाद हमने करना है कम्युनिटी. कम्युनिटी की हेडिंग देनी है. अच्छा जी मैम प्लीज वेट अ मिनट. बच्चे यू हैव टू बी फास्ट. मैं लिख के देती हूँ. खैर है आप लोग ग्रुप से पे कर लें. ठीक है 15 7 20 लास्ट वर्ड. Wednesday. Now give the heading of community. C O double N U N I T Y community. Okay, G. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. चले जी कम्युनिटी वैन वन फिंगर गैप के बाद शुरू करना है. When different populations class 4 में पिक्चर शेयर करूंगी. ओके जिस तरह रह रहे वो वहां से देख ले. When different population share
विकेट। हैबिटेट एच ए बी आई टी ए टी। दे मेक अ कॉमा उसके बाद दे। मेक अ कम्युनिटी। वेट अ सेकंड बच्चे, दिस इज डन। जिनका रह रहे हैं मैं उनको पिक्चर सेंड करके दूंगी, ठीक है? अच्छा, सी दिस वन। अच्छा जी, नाउ एग्जांपल्स राइट करनी है कम्युनिटी की। नंबर वन, ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। एफ ओ आर ई एस टी, ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज All types of plants. A double L, all. T Y P E S, all types of plants. Shabash, do this. आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, जिस तरह रह जाए आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, वहाँ से देख के करें। Now question number 2. Question number 2 is very small. Question 2 is, what is a habitat? A habitat. Question mark. Answer is a one finger gap habitat is a place where, leave the last line, W H E R E, yes, where all living no.
ओके जी, मैं तो करवाई जा रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 20 मिनट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी। अभी आप मेरे साथ से 1 क्वेश्चन कर लें, ठीक है? मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं 1 ओपन करके रख देती हूँ आप सबके लिए, आप वहाँ से देके 1 कर लें, सही? ओके मैम। वेयर ऑल लिविंग थिंग्स लिव एंड ग्रो, GROW। ओके जी, 2 इज फिनिश। ओके जी, राइट इट डाउन फ्रॉम पॉपुलेशन। चलिए जी, अब राइट करें। मैंने फर्स्ट पेज ओपन कर लिए। यस कामिल, अनम्यूट योरसेल्फ। कामिल अहमद जी, बच्चे डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, यू हैव रेज द हैंड, तो मैं समझी शायद आपने कुछ पूछना है। ओके जी, हनफा हमीद, अनम्यूट योर माइक। हनफा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे फर्स्ट सिलेबस में लिखा हुआ था ना कि ये सारा काम नीट कॉपी पे करना है टास्क। जी तो मैम वो सारा नीट कॉपी पे करना है? नहीं बच्चे, समर वेकेशन के लिए अलग कॉपी थी और अब ये इस काम के लिए हमारी नीट कॉपी। समर वेकेशन जो है वो आपने सेपरेट कॉपी में करना है, ठीक है? और ये जो आपको सेट के साथ कॉपीज मिली है ना, ये उस पर काम करना है, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है? और ठीक है, वेलकम। यस अच्छा, तो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, ठीक है? आप मेरे नंबर पे अपने नेम के साथ मैसेज कर दिएगा, मैं उस पर आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, सही है? ओके जी, ओके, नाउ आई एम टर्निंग द पेज, होप आपने वाला कर लिया होगा। नाउ डू दिस। अच्छा जी, एशमल, अनम्यूट योरसेल्फ। एशमल यस, एशमल यस मैम, आप जो समय टास्क में ग्रीन हाउस का क्वेश्चन आया हुआ है, हम टास्क में जी वही बनाना है बुक में से। जी जी, वही वाला बनाना है, वो जो बुक में बना हुआ, ठीक है? ओके जी, सही। ओके जी, हाँ जी, मैं इसकी पिक्चर ग्रुप में भेजूंगी। डू योर वर्क वेरी नीटली, ओके? और आज का काम आज ही होना चाहिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे न्यू वर्क करेंगे, ये ना हो कि आपका काम रह जाए। चलिए जी, टाइम इज़ ओवर, आई एम सेंडिंग यू पिक्चर्स, ओके? अल्लाह हाफिज़।